बेटे हम निकलने वाले हैं, जाएंगे लेके आएंगे उधर से। चलो चलो हम दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। में देव छेत्री, जैसे कि आप सभी लोग मुझे जानते ही हो, और ये मेरा बहन है मोनमिता छेत्री। और आज हम अभी घर से निकले हैं, वो जो पास में ही एक होटल है, होटल मतलब वो खाने के लिए जो बनाया जाता है ना, मिठाई सिठाई जो बनाते हैं। तो चलो चलते हैं आज उस वहाँ पे और ख़रीद के कुछ लाएंगे मिठाई खाने के लिए। देखते हैं क्या क्या मिलता है वहाँ पे। पहली बार तो नहीं, बहुत बार जा चुका हूँ, पर आज फिर वापस से जा रहा हूँ कि क्या मिलेगा वहाँ पे खाने के लिए। हम खरीद के लेके आएंगे, वो एक गिलास भी लेके जा रहा है कुछ कुछ लेके आने के लिए। चलो फिर उधर पे रास्ता आप देखिए, हम वो दूर पे, थोड़ा दूर पे हम उधर पे जाएंगे और खरीद के लेके आएंगे। और क्या लाएंगे? रसगुल्ला। रसगुल्ला चलो खाते हैं आज रसगुल्ला। वॉकिंग वॉकिंग चल रहे हैं, और हम लोग ये छाता पकड़ के रखे हैं क्योंकि धूप तो दे नहीं रहे, आपको दिख ही रहा होगा, बारिश दे रहे, बरसात का मौसम है, बारिश दे रहे, भीग के जाने से तकलीफ हो जाएगा ना, इसलिए भीग के नहीं जा रहे हम लोग। छाता लेके पहुँचने ही वाले हैं हम लोग, और अभी चलते 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 कुछ ही फुट स्टेप्स पर हम लोग पहुँच जाते हैं। हम लोग के घर के थोड़ा ही पास में है वो, और चलो फिर खरीद लेते हैं। तो हम लोग अब पहुंच ही गए हैं, और देखते हैं, पूछ के देखते हैं कि क्या क्या मिलेगा यहाँ पे। और चलो लेट्स सी खाने के लिए क्या है, चलो देख लेते हैं क्या मिलेगा। मिठाई का गोदाम है ना। और अंकल क्या है? लालमोहन चाहिए थे सर? तो लालमोहन तो नहीं, तो रसगुल्ला तो होगा। रसगुल्ला भी खत्म खत्म, कुछ नहीं है, बुंदिया होगा, बुंदिया लड्डू, लड्डू तो नहीं लेके जाना है। हाँ हाँ, हमको तो लालमोहन चाहिए था। मैंने लालमोहन नहीं है, खत्म है, खत्म हो गया ना, हम लोग फ्लॉप हो गया। अरे अभी यहाँ में बुंदिया है, बुंदिया लड्डू है। चलो फिर वापस जाना पड़ेगा, कुछ नहीं मिला, जो लेने आए थे वो नहीं मिला, तो वापस चलना पड़ेगा और कहीं और जाना पड़ेगा। देखता है कहाँ मिलेगा वे, फिर वापस से जो घर जाएंगे, फिर घर से इतना दूर हम लोग खुद से चल के आए पर कुछ नहीं मिला, तो उदास होके जाना पड़ रहा है, खाली जार लेके जाना पड़ रहा है हम लोग को, कुछ नहीं मिला देख सकते हो आप। तो चलो घर चलेंगे फिर उधर पे। दुख लगा मेरे को, इसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला है बेचारी को। इतना दूर जाने के बाद भी कुछ खाने को नहीं मिला, और ये तो बेचारा, देख ही सकते हो आप इसे। उदास होके बैठा है, एक रसगुल्ला खाने के लिए गया था वहाँ पे पर मिला नहीं, तो मेरा फॉल्ट नहीं है उसमें, मैं तो लेके गया था खिलाने के लिए, पैसा भी लेके गया था मेरा पॉकेट में, अभी भी वो जो पैसा है आपको मैं दिखा सकता हूँ, मेरा छाता गिर रहा है, पकड़ो, ये जो मैं पैसा लेके गया था खाने के लिए उधर पे, पर उधर पे कमी है ना, तो मिला नहीं मुझे, तो मुझे भी दुख लगा क्योंकि मुझे भी खाने का मन था पर मैं भी खा नहीं पाया, इसे भी बेचारी। और अभी मेरा भाई वो तो ये मग दे के भेजा था, जो जिसमें जो रसगुल्ला का जो क्या बोलते हैं उसे, रस चशनी, उसको लेके आने के लिए हमको भेज दिया था ये। ये लोग खाने के लिए कुछ नहीं मिला उधर पे, रसगुल्ला नहीं है, तो अभी फायदा नहीं ना, तो उधर पे मत खाओ अभी, हम फिर उधर से कहीं से लेके आएगा तब खा लेना तुम लोग, ठीक है। तो ये कुड़ी भी है, ये भी खाने के लिए वेट कर रहा था बेचारा, शाम है ये भी। कोई बात नहीं, लेके आएगा मैं फिर से कहीं और से। चलो मौसम ही कुछ ऐसा है जिससे कि बिना कुछ खाए रहा नहीं जाता है, कुछ ना कुछ खाने का मन होते रहता है, क्योंकि बारिश का मौसम में कैसा मौसम होता है आप जानते ही हो, बारिश में कैसा लगता है, कुछ खाने को मिल जाने से ना और भी मजा आता है। सो ये देखिए, ये मेरा घर का जो नज़ारा है,
फूल सूल लगाया गया है और कितना अच्छा लग रहा है, देखिए आप किस तरह से जो फूल लगाया गया। और अब जो गेंदा फूल का जो सीजन आ रहा है ना, तो इसलिए हम लोग गेंदा फूल ये जो लगाया है यहाँ पे थोड़ा बहुत है। और फिर इधर में आप देखिए किस तरह से हम लोगों ने जो गेंदा फूल लगाया है यहाँ पे, और जब फूल हो जाएगा तो मज़ा आने वाला है ज़रूर। वो भी वीडियो में आप सभी को जब फूल होगा तब मैं आपको दिखाऊंगा। और फिर ये गुलाब देख सकते हो आप किस तरह से सुंदर लग रहा है ना ये, हाँ कैसा लग रहा है कमेंट कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा। और फिर और भी फूल दिखाऊंगा मैं आप सभी को। और ये देखिए ये गुलाब मैं आपको पास से दिखा रहा हूँ, कितना सुंदर है ना। किसी को चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, मैं तोड़ के आपको दे दूंगा। पागल है क्या, मैं तोड़ के देने वाला हूँ आप सभी को। तो वेट कर रहा था, फिर आप चलेंगे, यहाँ तो कुछ मिला नहीं तो आप जाएंगे थोड़ा आगे और वहाँ से लेके आएंगे। चलो बाइक पे बैठ के हम निकलने वाले हैं, जाएंगे लेके आएंगे उधर से। चलो चल रहे हम लोग और हम लाने जा रहे हैं, रसगुल्ला लेके आएंगे। रास्ते पे बारिश गिर रही है, करीबन 2 किलोमीटर जाना पड़ेगा हम लोगों को लेके आने के लिए, मिठाई लेके आने के लिए। और हम रास्ते से जा रहे हैं अब, और उधर पहुंच के आपको दिखाऊंगा। तो चलिए चलते चलते हम लोग पहुंचने वाले हैं अब, और पहुंच ही गए हैं थोड़ा दूर और 100 मीटर के करीब, और जाएंगे देखेंगे क्या क्या मिलता है वहाँ पे। और आप देख ही सकते हो ये नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है देखने के लिए, उधर रास्ता बारिश में भीगी और भी अच्छा लग रहा है। तो फिर हम लोग पहुंच गए यहाँ पे, पहुंच गए हैं और जा रहे हैं अब मिठाई लेने के लिए। इधर से लेंगे हम मिठाई। चलो आंटी रसगुल्ला होगा, रसगुल्ला होगा, रसगुल्ला होगा, क्या रसगुल्ला लेना, रसगुल्ला चाहिए, हाँ एक दर्जन, एक दर्जन नहीं चाहिए इतना, आपके घर में एक दर्जन में नहीं चाहिए, समझ रहे हैं। हाँ हाँ चार अभी हम लोगों ने खरीद लिया है और जाएंगे अब घर के लिए। कितना हो गया उसको, उसके अंडे कितना हो गया, तो हो गया अब हम चल रहे हैं, ले लिया हम लोगों ने और चल रहे हैं, अब जाएंगे उधर आगे से भी कुछ दे रहे हैं। रास्ता क्रॉस कर लेता हूँ। चलिए हम लोगों ने लाल मोहन रसगुल्ला तो ले लिया है और अब देखते हैं आगे में क्या ले रहे हैं। मिठाई खाने का बहुत मन था तो हम लोग लेके जा रहे हैं, आप खरीद लिया यहाँ से और लेके जा रहे, ये भी एक गप्पा पकड़ लिया है लेके जा रहे हैं खा के अब घर में। तो चलो अब घर में जाके खाएंगे पूरा, आज का जो खाने का जो इच्छा था वो पूरा हो जाएगा इससे। तो देखिए हम लोगों ने लेके आया है 4 रसगुल्ला और 4 लाल मोहन, तो अब हम खाएंगे इसे। और रसगुल्ला लाल मोहन आपको कैसा लगता है खा के कॉमेंट में ज़रूर बोल दीजिएगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं तो बहुत खाया करता हूँ और जब भी मन करता है तभी खा लेता हूँ, एक दो से मेरा कुछ नहीं होता है, ये सभी मेरा मुंह में घुस जाएगा, सभी खा सकता हूँ मैं। पर अब सब लोग खाएंगे, पूरी तो कब से वेट कर रहा था खाने के लिए, और ये शाम पढ़ाई करते करते इससे भी बहुत भूख लगा था, कब से भीग रहा था बारिश में। चलो